देवरिया के सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर पर तीमानदारों को गंदी गंदी गालियां देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने इलाज के लिए आए मरीजों को गालियां देकर भगा दिया। आपकी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, हमारी ड्यूटी नहीं है, चलिए आपकी ड्यूटी नहीं है, कोई इलाज नहीं करेंगे, किसी मर्ज का इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, आप हमारी ड्यूटी नहीं है, साइलेंट रहो, ड्यूटी नहीं है, साइलेंट, मिश्रा जी आप बोल रहे हैं, आप मेरा नाम डॉक्टर बीके मिश्रा है, ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा है, मैं सर्जन हूँ, सीएससी सलेमपुर में पोस्टेड हूँ, जो उखाड़ ले मैं किसी मरीज का इलाज नहीं करूंगा। डॉक्टर की अभद्रता से परेशान लोगों ने प्रशासन को पत्र लिख मामले की जांच की मांग की है। एक लड़का मैं एक मरीज को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में आया था दवा कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बीके मिश्रा ने दवा करने से इनकार किया और भद्दी भद्दी गालियां देना स्टार्ट कर दिया। मैं किसी तरह अपने मरीज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कराया, मेरी जानकारी में आया है और मैंने तुरंत उसको जैसे सुबह मुझे जानकारी में आया है तुरंत एक पत्र लेकर के वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक को लिखा है कि वो प्रकरण की पूरी जानकारी भेजेंगे, क्या प्रकरण था और क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है क्यों किया गया है, इसकी पूरी जानकारी मैंने मांगी है उनसे। अच्छा, तो इसके आने पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि आरोपी डॉक्टर पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इस डॉक्टर से सभी लोग परेशान थे। देवरिया से विकास द्विवेदी की रिपोर्ट।